नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजल नारायण। 1 मई से 18 साल से बड़े सभी लोगों को वैक्सीन लगने जा रही है। ऐसे में पीरियड्स के दौरान कोविड-19 वैक्सीन इस्तेमाल करने पर महिलाओं द्वारा उठाई गई चिंता के बीच केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ा बयान दिया है। उसने उस पोस्ट को खारिज किया जिसमें बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है और लोगों से फेक पोस्ट के झांसे में ना आने की अपील की जा रही है। पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि महिलाओं को कोविड-19 की वैक्सीन को मासिक धर्म के 5 दिन पहले या बाद में नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि उस समय उन्हें बहुत कम इम्यूनिटी प्राप्त होती है। सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज के मुताबिक कोविड-19 की वैक्सीन महिलाओं को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है अगर वो मासिक चक्र के दौरान डोज लगवाती हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन शुरुआती दिनों में इम्यूनिटी कम करती है और बाद में मजबूत इम्यूनिटी खतरनाक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विकसित होती है। वहीं इस दौरान एक ट्वीट में कहा गया कि सोशल मीडिया पर घूम रहा फेक पोस्ट दावा करता है कि महिलाओं को कोविड-19 वैक्सीन अपने मासिक धर्म से 5 दिन पहले या 5 दिन बाद नहीं लगवानी चाहिए। अफवाहों के फेरे में मत पड़े। PIB के फैक्ट चेक अलर्ट में बताया गया है कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को 1 मई के बाद टीकाकरण करवाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 28 अप्रैल को कोविन प्लेटफॉर्म पर शुरू हो रही है। इस सप्ताह के शुरू में केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत करने का ऐलान किया था। 18 साल से ऊपर के हर शख्स के लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू हो रहा है। प्रक्रिया कोविन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप पर पूरी की जा सकेगी। 19 अप्रैल को केंद्र सरकार ने बताया था कि 18 साल से ऊपर का हर शख्स 1 मई से कोविड-19 वैक्सीन इस्तेमाल करने का पात्र होगा। तो ये महज एक अफवाह है, लेकिन अफवाह में मत आइए और वैक्सीन जरूर लगवाइए। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।